स्वागत है आपका। पूरा पश्चिम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त आ रही है। बहाली के बाद एक बार फिर प्रणव सिंह चैंपियन का बाहुबल देखने को मिला है। दरअसल चैंपियन ने लाव लश्कर के साथ इलाके में जुलूस निकाला। खानपुर से विधायक है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और जुलूस के दौरान एक बार फिर से हथियारों का प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें 13 महीने बाद भाजपा में हुई है चैंपियन की वापसी। तो देखा आपने, पहला वीडियो हमने आपको दिखाया जो वायरल हुआ, उसके बाद जो है उन पर कार्रवाई हुई। शराब पार्टी चल रही है, सॉन्ग और हथियारों का प्रदर्शन करते हुए, डांस करते हुए, जिसमें प्रणव सिंह चैंपियन नजर आए थे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह लाव लश्कर के साथ वापसी का संदेश दे रहे हैं। बाहुबल, हथियार बल, समर्थक बल खुलकर सड़कों पे दिख रहा है। 13 महीने बाद भाजपा में वापसी हुई है प्रणव सिंह चैंपियन की। अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे ब्यूरो चीफ, उनसे बातचीत करते हैं। अजीत, हमने दोनों वीडियोस दिखाए, पहला वो वीडियो जिसमें हथियारों के साथ जो है उनकी शराब पार्टी चल रही थी, सॉन्ग उसमें था, वो नाच रहे हैं और मुश्किल में पड़ गए थे इस वीडियो के बाद, और अब 13 महीने बाद भाजपा में वापसी हुई है। तो वही हथियार है, लंबा लावो लश्कर है, बाहुबल है, हथियार बल है, मतलब प्रणव सिंह चैंपियन एक चैंपियन की तरह एंट्री लेते दिख रहे हैं यहाँ पर। आस्था, आपने बिल्कुल सही कहा, और 13 महीने बाद पार्टी में वापसी और वापसी के 48 घंटे बाद ये हथियारों का और अपने लाव लश्कर का प्रदर्शन, ये शायद कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का अपना आचरण है, अपना चरित्र है उसका, और अपना राजनीति करने का एक स्टाइल है। और ये पार्टी में वापसी के बाद 48 घंटे के भीतर ये शक्ति प्रदर्शन, ये इस बात की गवाही देता है, इस बात का सबूत है कि कुंवर प्रणव चैंपियन अपने हिसाब से, अपने स्टाइल से राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो जो उनका रवैया है वो अख्तियार रखेंगे, उसको उसी पर कायम रहेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, प्रेस के सामने आएंगे, अपने आचरण के लिए माफ़ी मांगेंगे, लेकिन जैसे क्षेत्र में जाएंगे वो फिर उसी पुराने स्वभाव में लौट आते हैं। तो आपने देखा होगा कि कितनी जद्दोजहद के बाद चैंपियन को वापस लिया गया है, और चैंपियन के वापस भाजपा में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर कितनी, किस तरह का विद्रोह हो रहा है, कितने विधायक उसको विरोध करने में लगे हैं, ये तमाम जटिलताएं होने के बाद भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें पूरे लाव लश्कर के साथ और हथियारों के प्रदर्शन करते हुए वो अपने समर्थकों के साथ अपने क्षेत्र में मतलब जश्न मना रहे हैं। और ये जश्न केवल भारतीय जनता पार्टी में वापसी का है और किसी चीज़ का नहीं है, क्योंकि चुनाव में भी 1.5 साल बाकी है, ना चुनाव प्रचार है ना चुनाव है, तो अभी केवल भारतीय जनता पार्टी के में दोबारा प्रवेश करने का उनको इतनी खुशी हो रही है, उन्होंने इसी का जश्न मना डाला, या ये एक बात एक साबित करती है कि वो इसी तरह की राजनीति करेंगे, ये उनका स्टाइल है। भारतीय जनता पार्टी को जो करना है करे, कांग्रेस को जो करना है करे, अब वो जब एक मौका आएगा तब वो अपनी बात रखेंगे, आप फिर माफ़ी मांगेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और फिर अपने हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। जी वाकई में, और एक बार फिर से इसी तरह का वीडियो सामने आया है, और झलक जैसा आपने कहा जीत, वो साफ दिख गई है कि उनका अपना एक स्टाइल है, एक तरीका है, वो उससे बिल्कुल हटने वाले नहीं है, वो उसको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि अभी 1.5 साल तक कोई चुनाव भी नहीं है, ये सिर्फ भाजपा में वापसी की खुशी है, तो क्या दिखाना चाहते हैं कि अब वो पाक साफ हो गए हैं, पार्टी में उनकी वापसी हो गई है? पहले भी कई वीडियो आए जिस पर एम्बेरसिंग सिचुएशन उनके लिए भी खड़ी हुई, पार्टी के लिए भी खड़ी हुई, विधायकों का विरोध था, फिर भी क्यों पार्टी ने उनको वापस रखा? आस्था देखिए, मैं उनको भी पता है भारतीय जनता पार्टी के भीतर कितने लोग उनके प्रवेश के विरोध करने के लिए खड़े हो गए थे, कितने लोगों ने सांसद से अनिल बलूनी से लेकर जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी है वहाँ से लेकर यहाँ के तमाम विधायक जो उनके विरोध में थे उनकी भारतीय जनता पार्टी में री एंट्री को बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो हो सकता है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन वापसी के बाद ये दिखाना चाह रहे हो, देखिए जितना मेरा विरोध किया गया मैं फिर भी पार्टी में वापस आ गया हूँ और मैं उसी स्थान के साथ राजनीति करूँगा जिस स्थान से राजनीति करता आ रहा हूँ, मेरा क्षेत्र है, मेरी ताकत है, मेरे समर्थक मेरे साथ हैं और मैं चौथी बार का विधायक हूँ और मेरा विरोध करने वाले विरोध करते रहे, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी में आ गया हूँ और मेरी राजनीति उसी तरह से चलेगी जैसे चलती आ रही है। तो हो सकता है जो विरोधी थे उनके, जो उनको आने से रोकने के लिए पूरे प्रयास कर रहे थे, दिल्ली से लेकर देहरादून तक पूरी खलबली मची थी कि चैंपियन को पार्टी में वापस नहीं लिया जाना चाहिए, और ये तमाम कारण इस बात, ये तमाम दुहाई दी जा रही थी कि उनके कृत्य, उनका आचरण, उनका चरित्र, उनका राजनीति करने का स्टाइल ऐसा है, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर किए गए थे। तो इन्हीं चीज़ों की दुहाई दी गई थी, इन्हीं चीज़ों का बहाना उस पार्टी के सामने रखा गया था कि जिस तरह के वो आचरण अब कर रहे हैं, एक पूरे काफिले के साथ, पूरे कारवां के साथ शस्त्र प्रदर्शन करते हुए अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और क्षेत्र में किस तरह का हूटर और सायरन, शस्त्र प्रदर्शन, ये वैसे ही विधिक तौर पर ठीक नहीं है, ये इल्लीगल है, आप शस्त्र प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप हूटर भी नहीं लगा सकते। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं ये भी अनुशासनहीनता के दायरे में आती हैं, बाकी कानून को देखना है कि जिला प्रशासन इस मामले में कुछ करता है कि नहीं, और अगर नहीं करता है तो भारतीय जनता पार्टी में उनकी जो वापसी हुई है उसका दबाव प्रशासन पर बना हुआ है। जी
जी हाँ बिल्कुल, हम देख भी पा रहे हैं कि खुलेआम गाड़ियों का काफिला चल रहा है, हथियार उसमें नजर आ रहे हैं, हूटर बज रहा है, लाउड म्यूजिक बज रहा है और उसी तरह की पर्सनालिटी रही है प्रणव सिंह चैंपियन की। और एक बार फिर से वो पूरी आन बान शान के साथ बाहुबल दिखाते हुए उसी को रिफ्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अजीत, पूर्व में विवादों की बात करें तो किस तरह नाता रहा है, एक वीडियो हम दिखा भी रहे हैं, वहां पर खूब सारे हथियार हैं उनके साथ, उनके समर्थक हैं, पार्टी चल रही है जिसके कारण वो विवाद में फंसे, लेकिन पूर्व में भी उनके साथ कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, आपको खुद को डिफेंड करने में क्या कहते रहे प्रणव सिंह चैंपियन? देखिए, इनकी एक बड़ी पुरानी और बहुत लंबी कहानी है आस्था, और ये केवल शस्त्र प्रदर्शन में ही भरोसा नहीं रखते, ये शस्त्र को संचालित करने में भी भरोसा रखते हैं। ऐसे तमाम मुकदमे इनके खिलाफ हैं रुड़की से लेकर देहरादून तक, जहां इन्होंने किसी पार्टी में या किसी जश्न के माहौल में या कहीं कोई पार्टी चल रही थी, किसी का निजी फंक्शन था, वहां उन्होंने फायरिंग कर दी, उससे कोई घायल हो गया। इनके तमाम ऐसे वीडियोज पहले भी आ चुके हैं, मुकदमे दर्ज हैं रुड़की में और लक्सर में, जब ये एक होटल में किसी से झगड़ा कर लेते हैं और वहां पर ये फायरिंग कर देते हैं। तो ये केवल शस्त्र प्रदर्शन ही नहीं करते, ये शस्त्रों का संचालन भी करते हैं और ये सब बात भली भांति जानते हैं। और जो पुलिस के डॉक्यूमेंट्स हैं, पुलिस रिकॉर्ड्स हैं, उनमें सारी चीज़ें मेंशन हैं, किसी को बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से भिग है, जिस पार्टी ने इनको वापस लिया है सब जानते हैं। और बीसी खंडूड़ी एक समय मुख्यमंत्री होते थे, तो वहाँ एक प्राइवेट पार्टी में मुख्यमंत्री के सामने इन्होंने हर्ष फायरिंग कर दी थी, जिसे तब एक नेता के घुटने में वो गोली लगी थी, वो मुकदमा भी दर्ज है। तो तमाम मुकदमे दर्ज हैं, लड़ाई झगड़े के, फायरिंग के, हर्ष फायरिंग के, शस्त्र प्रदर्शन के, तो अभी कोई नई बात नहीं है। अभी तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी इनकी शुरुआत हुई है, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो आगे जैसा अभी आपने एक झलक देखी है, एक प्रदर्शन देखा है, मुझे लगता है ये बाज आने वाले नहीं है और ये चलता रहेगा। जी, और इस तरह उन्होंने एंट्री लेकर आगे के इरादे भी साफ कर दिए हैं कि वो उसी ट्रैक पर चलने जा रहे हैं जिस पर वो चलते आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी के लिए। तो 13 महीने बाद भाजपा में वापसी हुई है और देखिए किस तरह काफिले, शस्त्र और लाउड म्यूजिक और हूटर के साथ उन्होंने जश्न निकाला है, वो पूरा हमने आपको दिखाया, कैसे पूरा रोड शो का माहौल उन्होंने बना दिया सड़कों पर।